हेलो एवरीवन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कार ऑफ मास 200 किलोग्राम, एक कार है जिसका मास 200 किलोग्राम है, ओके, मूव्स विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, दैट इज शुरू में इसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो आपको पता होगा 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 1000 मीटर। एक घंटे में 60 मिनट होता है, 60 × 60 सेकेंड्स होगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकेंड, 18 × 4 = 72, तो यह हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। इफ़ ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स, अब ब्रेक अप्लाई करेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। कॉन्स्टेंट डिसेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यह डिसेलरेशन वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, मतलब इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। लेकिन हमारे जो फार्मूले हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वहाँ पे हम वेलोसिटी का डिस्कशन करते हैं और यहाँ मान रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन पाथ में चीज़ें चल रही हैं। जो कार है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रही है और जिस डायरेक्शन में चल रही है उसको हमने क्या माना, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इनिशियली इसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है एक्सेलरेशन कितना, डिसेलरेशन कितना क्रिएट हुआ, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब यहाँ पे स्पीड डिक्रीज कर रही है। और चूंकि हमने वेलोसिटी पॉजिटिव माना है तो वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी, और जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन आएगा हमारा नेगेटिव 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्यों, चूंकि हम जिस डायरेक्शन में जा रही है गाड़ी उस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, और वेलोसिटी चूंकि पॉजिटिव है और स्पीड चूंकि डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगा। अगर पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी, समझ रहे हैं, स्पीड तो डिक्रीज कर ही रहा है, रिटार्डेड मोशन है। फाइनली ये क्या हो गई, रुक गई। कह रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिफोर इट स्टॉप्स, तो फाइनली रुक गई। तो मांगा है मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव आएगा। वैसे यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, v² - u² = 2as। ये हमने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि v पता है, u पता है, 2 तो पता ही है, और a यहाँ पता है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकल जाएगा। v तो हमारा फाइनली 0 है, और u कितना है हमारा 20 स्क्वायर, 2, एक्सेलरेशन कितना नेगेटिव 0.2 × डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। यहाँ डिस्टेंस मांगा है बट यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, बट दोनों सेम आएगा। क्यों, चूँकि जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको हमने पॉजिटिव माना है, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव आएगा और यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव आएगा। और स्ट्रेट लाइन पाथ है, वही डिस्टेंस होगा, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे 0² 0 हो गया, तो नेगेटिव 20 × 20 = है ना, यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, नेगेटिव 0.4 × s, ओके, नेगेटिव 2 × 2 = 400 / ये क्या हो जाएगा 0.4 नेगेटिव में = डिस्प्लेसमेंट, ये तो कैंसिल हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा 0.8 के यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000 = s, तो s बराबर कितना आया 1000 मीटर, या कितना लिखेंगे हम 1 किलोमीटर, ओके। तो ये एक सोल्यूशन है। फिर मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 किलोग्राम का मास है, वैसे यहाँ मास की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप ये जान लें, क्वेश्चन में हमेशा कोई जो डेटा दिया हुआ रहता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी कोई मतलब ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और शुरू में इसकी स्पीड कितनी गिवन है, 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया इनिशियल वेलोसिटी। इसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, 5/18 से मल्टीप्लाई करके 20 मीटर पर सेकंड आया, और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको हमने पॉजिटिव माना, तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है और इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करते जा रही है, क्योंकि स्पीड डिक्रीज करते जा रही है। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या आया, नेगेटिव आया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे हमने v² - u² = 2s अप्लाई किया, और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकल गया, वही डिस्प्लेसमेंट होगा, वही डिस्टेंस होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ हमने माना। तो इसका सोल्यूशन तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।